इंडिया में ज्यादातर लोग टेरर अटैक और वॉर को सीरियसली नहीं लेते, पर अटैक्स यूजुअली बिना बताए ही होते हैं। इससे पहले हुए अटैक्स को अगर हम देखेंगे तो जितने भी अटैक और बॉम्बिंग होते हैं वो अचानक और चुपचाप से हो जाते हैं, और उस वक्त वहां रहे लोगों और पीड़ितों को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या करें। पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट और ऑफिसर्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में लोगों को सेफ्टी तक पहुंचाए, पर तब तक आपको खुद की और आपके अपनों की ही सुरक्षा करनी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर टेरर अटैक होने वाला है तो उसके पहले आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी अटैक बताकर नहीं होते, इसलिए आपको खुद को सेल्फ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपके आसपास क्या हो रहा है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी सस्पिशियस सामान या सस्पिशियस इंसान दिखे तो चौकन्ना हो जाइए। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। हो सके तो दूर से नजर रखे, और अगर बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें हो तो पुलिस या सेफ्टी ऑफिसर्स को बता दे। तो अब देखते हैं कि अगर टेरर अटैक होता है तो उस दौरान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रन। अगर आपके सामने अटैक या फायरिंग हो रही है तो सबसे पहले वहां से भाग जाइए। अगर आपके आसपास एक अच्छा एस्केप रूट है तो सबसे पहले भागे वहां से, साथ में आपके अपनों और बाकी लोगों को भी लेकर वहां से निकल जाइए। अगर आपका सामान भी पीछे छूट गया तो भी चलेगा, पर सबसे पहले उस जगह से निकल जाइए। फिर हाइड, कोई ऐसी जगह जाकर छुप जाए जहां से आप दिखाई ना दे, और अगर कोई कमरा या रूम में अगर चले जाएंगे तो दरवाजा अच्छे से लॉक कर दे और उसे भी सारे सामान से ब्लॉक कर दे। फिर दरवाजे से दूर जाकर बैठ जाइए जब तक कोई असिस्टेंट बचाने के लिए नहीं आता। मदद आने तक आप बिल्कुल कोई भी आवाज या मूवमेंट ना करें। अपने मोबाइल फोन्स को भी साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे डाल दे। और उसके बाद टेल, जब आपको लगे कि आप सेफ या अच्छे से छुप गए हो तो पुलिस या ऑफिसर्स को कॉल करिए और हेल्प के लिए बुलाइए। उन्हें आपने क्या क्या देखा वो बताइए और अपने बारे में भी बताइए, ताकि जब मदद आए तो पुलिस आपको और टेररिस्ट को पहचान पाए। अगर आप छुपे हुए हो और पुलिस ने आपको ढूंढ लिया तो अगर आपको वो सवाल जवाब करेंगे तो उन्हें अच्छे से जवाब देना। अपने हाथ ऊपर रखें ताकि उन्हें समझ आ सके कि आपके पास कोई भी हथियार नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। अटैक खत्म होने के बाद सबसे पहले आपके अपने सेफ है कि नहीं कॉल करके पूछ ले। अगर कोई भी सिक्योरिटी चेक्स और इन्वेस्टिगेशंस हो तो उन्हें अच्छे से और कोऑपरेशन के साथ करें। अगर कोई जख्मी इंजर्ड हो तो उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में जल्दी लेकर जाइए। याद रखें कि अगर कोई भी वॉर या अटैक का सिचुएशन क्रिएट होने वाला हो तो सबसे पहले प्रोटेक्शन या सेफ्टी जोन में रहिए और तब तक बाहर ना आए जब तक सिचुएशन सेफ नहीं हो जाती। अपने अपनों को सेफ्टी रखें और सावधान रहें। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।